अलीगढ़ जनपद के इकलौते प्राचीन गंगा घाट साकरा पर गंगा पुल के नीचे पक्का गंगा घाट बनाने, गंगा घाट पर महिलाओं को वस्त्र बदलने के स्थान, गंगा घाट पर सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण, गंगा तट पर स्थित राजा शंकर सिंह के किले को पर्यटन स्थल का दर्जा दिए जाने को लेकर कस्बा छर्रा में हाथों में बैनर पोस्टर स्लोगन लगी पट्टियां लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पूर्व श्री शिव मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री बालाजी सेवा समिति के अध्यक्ष मनीष माहेश्वरी ने की और संचालन पूर्व सभासद नगर पंचायत छर्रा शैलेश भारद्वाज ने किया। इस अवसर पर सांकड़ा गंगा घाट पर्यटन विकास सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष विनय यादव ने कहा, जब तक मांगे पूरी नहीं होती इसी प्रकार के आंदोलन होते रहेंगे। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट देखी। आज आपने ये रोड जाम करके किस तरीके का विरोध प्रदर्शन किया है, क्या किया? अलीगढ़ जनपद का इकलौता गंगा घाट है जिसे लगातार 2012 से सांकरा गंगा घाट विकास सेवा समिति पक्का गंगा घाट बनाने के लिए मांग करती आ रही है, लेकिन अभी तक सांकरा गंगा घाट पर विकास के लिए शासन और प्रशासन द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग कर रहे हैं कि वहाँ महिलाओं को वस्त्र बदलने का स्थान नहीं है, वहाँ शौचालय तक नहीं है, किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है, विकास के नाम पर सांकरा गंगा घाट शून्य है। आप अपने प्रोटेस्ट को कहाँ तक और किस जगह तक लेके जाएंगे? हमारा प्रोटेस्ट पुल से लेकर के दानव सांकरा मार्ग से लेकर के हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भैया मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूंगा, साथ में जी आज का क्या कार्यक्रम था? ये आपका कार्यक्रम ये था, ये गंगा को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए हमने लड़ाई जारी चल रही है हमारी, और जब तक गंगा घाट को पर्यटन स्थल घोषित नहीं करते जब तक लड़ाई जारी रहेगी आगे तक हमारी। क्या नाम बताया आपने? शैलेश भारद्वाज, नगर पंचायत छर्रा। जी भैया मैं पहले तो आपका नाम और जानना चाहूंगा। मेरा नाम योगेंद्र सोनी है। ये क्या क्या कर रहे थे अभी आप लोग? ये सांकरा घाट को पक्का बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत दिन से वहाँ कच्चा घाट है और ये चाहते हैं कि सांकरा घाट पक्का हो जाए हमारा। यदि अभी जैसे अब तक नहीं हुआ है, इस तरह से अगर अभी नहीं होता है तो उसके आगे आपका क्या कदम होगा? अभी 2024 में चुनाव आ रहा है, उसमें विरोध करेंगे हम इसका। और आपकी मांग भी रहेगी? यही मांग यही रहेगी हमारा, सांकरा घाट पक्का हो। धन्यवाद। मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा और ये गंगा घाट के विषय में जो आज आप लोग यहाँ जयघोष कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? ये हमारा जो हमारी मांग है कि सांकरा के जो गंगा घाट को पक्का बनाया जाए। जो हम लोग यहाँ से जाते हैं, हम लोगों को बहुत परेशानियाँ होती हैं, वो लेटरिन वगैरह कुछ भी नहीं है। हाँ, जो महिलाएँ वहाँ पर जाती हैं तो उनके वस्त्र बदलने के लिए कोई वो नहीं है, कोई पक्का घाट नहीं है। ऐसी स्थिति में आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से हम मांग करते हैं कि सरकार पक्के घाट को बनाए और वहाँ पे जो महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए, नहीं तो हम वोटों का बहिष्कार कर देंगे पूरी तरीके से। मैं पहले तो परिचय जानना चाहूँगा, साथ में आज ये क्या प्रदर्शन था किसी के लिए? जी मेरा नाम मनदीप महेश्वरी है और हम आज सांकरा घाट को पक्का करने की मांग कर रहे थे। हाँ। और हमारा सरकार से आग्रह है ताकि वो सांकरा की घाट को पक्का करें ताकि महिलाएं वगैरह वस्त्र वगैरह पहन सकें आराम से। ये लगभग आपकी मांग कब से चल रही है? ये जब से पुल का हमने प्रदर्शन करा था तभी से चल रही है। तो अभी तक तो तुम्हारी मांग पूरी नहीं हुई, आगे की क्या रणनीति होगी आपकी? सरकार के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेंगे ताकि सरकार हमारी बातें माने, अन्यथा हम वोटों का बहिष्कार करेंगे। ये सन 2024 को हम हमारे सांसद महोदय आज तक यहाँ पर देखने नहीं आए हैं। ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है आपका? ये हाथरस में पड़ता है। हाथरस लोकसभा।